हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन

टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जीपी जीपी तो क्या होता है GP is a series, ये एक series होती है, जहां पे जो रेशियो होता है यानी दो जो consecutive term होते हैं, जो दो लगातार टर्म होते हैं उनके बीच का जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट वो अगर कांस्टेंट होता है तो ऐसी को हम जीपी कहते हैं ठीक है जैसे हमने एपी पढ़ा था ना जैसे पहले मैं एपी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ जैसे एपी पढ़ा था टू फोर सिक्स एट टेन ऐसे करके सीरीज इसमें हमने डिफरेंस देखा था इसमें हम क्या देखते थे डी देखते थे डिफरेंस अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ठीक है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जैसे फोर माइनस टू सिक्स माइनस फोर एट माइनस सिक्स टेन माइनस एट दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस जो डी था वो अगर कॉन्स्टेंट होता था तो हम कहते थे वो जो सीरीज है वो एपी में है

Uh, जो टर्म है उसका उसके पिछले टर्म से हम रेशियो निकालेंगे वो अगर कांस्टेंट है यहाँ पे लिखेंगे थर्टी टू बाई सिक्सटीन वो अगर कांस्टेंट है तो देखिए यहाँ पे आप काटिए दो आएगा ये काटिए दो आएगा ये काटिए दो आएगा ये क्या है दो तो यहाँ पे जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट दैट इज टू तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ठीक है GP, तो जीपी वो सीरीज होती है जहां पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इनका रेशियो क्या होता है कांस्टेंट तो ऐसे को जीपी कहते हैं और रेशियो हम कैसे निकालते हैं टी टू बाई टी वन इसमें टी वन टी टू टी थ्री सपोज करिए थ्री बाई टी टू हर नेक्स्ट टर्म को उसे पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा रेशियो और ये जो रेशियो होता है ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म इनको हम कहते हैं कॉमन रेशियो और इसको हम आर से स्मॉल आर से डिनोट करेंगे ठीक है जैसे जीपी के कुछ एग्जाम्पल है जैसे थ्री नाइन 27 आगे 81 ठीक है तो ये जो सीरीज है दैट इज इन जीपी क्यों क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड करिए आएगा 3 27 को 3 से डिवाइड करिए आएगा 3 81 को 27 से डिवाइड करिए आएगा 3 ठीक है तो दिस इज इन जीपी तो ये जीपी है तो ये होती है जीपी सीरीज राइट अब जरा देख लेते हैं जैसे हमने एपी में देखा था ना एपी में tnथ टर्म का फार्मूला क्या था बताइए tnथ टर्म निकालना है तो फार्मूला क्या था a n 1 d ठीक एपी सीरीज में था अब ऐसी जीपी में अगर आपको टी एन एड टर्म कोई भी टर्म निकालना है जीपी सीरीज में तो जी आ, जो टी एन एड टर्म होता है वो क्या होता है ए आर एन माइनस वन जिसमें ए क्या है फर्स्ट टर्म ठीक है आर क्या है कॉमन रेशियो एन क्या है नंबर ऑफ टर्म जो जिस भी टर्म की बात हो रही है सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो दैट इज एन तो दिस इज द एन एथ टर्म का फॉर्मूला ये है एन टर्म का फॉर्मूला ए आर का पावर एन माइनस वन

रेशियो uh, का स्क्वायर जो करेंगे उसको ए से मल्टीप्लाई करिए निकलेगा तीसरा टर्म ऐसे ए आर क्यूब ए आर का पावर फोर ऐसे करके जो सीरीज बनती है दैट इज इन जीपी सीरीज ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे टी वन क्या हुआ यानी जो पहला टर्म है टी वन वो क्या है ए है तो ए को हम लिख सकते हैं ए आर का पावर जीरो देखिए ए को हम वन से मल्टीप्लाई करें ठीक है या हम ए आर का पावर जीरो से मल्टीप्लाई करें क्योंकि किसी का भी पावर जीरो क्या होता है वन होता है ठीक है तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं जीरो को हम वन माइनस वन लिख सकते हैं तो वही हमने लिखा है ए आर का पावर वन माइनस वन ऐसे ही टी टू क्या है सेकेंड टर्म है ए आर सेकेंड टर्म क्या है ए आर ठीक है तो यानी ए आर आर का पावर वन है ना तो इसको हम टू माइनस वन लिख सकते हैं तो ए आर का पावर टू माइनस वन ऐसी जो टी थ्री टर्म है वो क्या है ए आर का स्क्वायर ठीक है तो स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए आर थ्री माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं तो यानी अब आप इस सीक्वेंस को देख सकते हैं और अगर हम इसको जनरलाइज कर दे तो क्या बना टी एन इक्वल टू ए आर और यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे ये एन है ना तो यानी टी आर एन माइनस वन तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकला है ठीक है तो अगर जीपी सीरीज का कोई भी एनर टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो वो क्या ऐसे निकालेंगे ए आर का पावर एन माइनस वन राइट तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है तो वो तो कहानी हो गई जिससे पहले मैंने बताया कि अगर आपको स्टार्टिंग से अगर, used, अगर आपको, आपको एन एट टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो देखिए जो जीपी सीरीज होती है वो होती है ए एक्वेर ए आर क्यूब ठीक है ऐसे करके होती है ठीक है फिर लास्ट टर्म जीपी सीरीज का क्या है एल अगर हम पीछे से बात करें तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा एल बाई आर थर्ड लास्ट टर्म क्या होगा एल बाई आर का क्यूब ऐसा होता है ठीक तो है, तो है, है, तो है? है तो अगर आपको स्टार्टिंग से कोई टर्म निकालना है तो दिस विल बी यूज अगर लास्ट से एन टर्म निकालना है देन ये होता है ठीक है तो एल क्या है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज और आर कॉमन रेशियो है तो अगर आपको लास्ट से कोई एनड टर्म निकालना है देन दिस इज यूज्ड ये फॉर्मुला यूज होता है लास्ट से अगर आपको एन एट टर्म निकालना है जीपी सीरीज का तो एल डिवाइडेड बाई आर का पावर एन माइनस वन ठीक है ये होता है याद है आपने एपी में भी पढ़ा था एपी में अगर लास्ट से आपको कोई एन माइनस वन डी ये था ना एपी सीरीज में ये था फॉर्मूला कि लास्ट से आपको एन एट टर्म निकालना है वैसे ही जीपी सीरीज में भी लास्ट से अगर एनएट टर्म निकालना है देन दिस इज डिवाइडेड का पावर N -1. ठीक है ये यूज होता है अब सवाल है ये आया कहा से तो सिंपल सा वही लॉजिक है देखिए लास्ट 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 टर्म 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 क्या क्या है है देखिये R. तो आर को हम टू माइनस वन लिख सकते हैं R का पावर 1 है तो वन को हम टू माइनस वन लिख सकते हैं ऐसी तीसरा टर्म पीछे से लास्ट से तीसरा टर्म एल का पावर एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं थ्री माइनस वन लिख सकते हैं ठीक है तो ऐसे ये सीरीज बनती जाएगी अगर फोर्थ टर्म की अगर मैं बात करू तो एल डिवाइडेड बाई आर का पावर फोर माइनस वन लिख सकते हैं तो अगर एनएट टर्म की मैं बात करूँ तो हम लिख सकते हैं ना एल डिवाइडेड बाई आर का पावर एन माइनस वन ठीक है तो इस तरीके से हम एनएट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द लास्ट पीछे से हम एन एट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं तो दिस विल बी यूज तो इन दो ये जो फॉर्मुले हैं टी एन एथ के वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक चलिए अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टी ऑफ जीपी सीरीज जीपी सीरीज की कुछ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ऑड टर्म्स अगर जो जीपी सीरीज है सपोज आया है, उसमें आपको लेनी है जिसमें तो आप उन टर्म को क्या लेंगे आप उन टर्म को लेंगे क्यूब ए आर का स्क्वायर ए आर ए ए बाई आर ए आर का स्क्वायर ए बाई आर का स्क्वायर ए बाई आर का क्यूब ठीक है ये हम क्यों ले रहे हैं ऐसे ही मैंने एपी में भी पढ़ाया था ना ये हम क्यों ले रहे हैं ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इन टर्म्स को लेके तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप बाद में कि ये जो टर्म्स है ना ये कट जाएंगे काफी कुछ टर्म एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन बहुत ईजिली आ जाएगा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा इसलिए ये टर्म लिए जाते हैं तो अगर और नंबर ऑफ टर्म्स है जीपी सीरीज में तो वो टर्म्स आप जनरली ये लेंगे ए का क्यूब ए का स्क्वायर ए ऐसे करके ए आर ए ठीक है ए बाई आर ऐसे करके लेंगे और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है जीपी सीरीज में तो आप ऐसे लेंगे ए आर का पावर फाइव ए आर का क्यूब ए आर ए बाई आर ए आर ए बाई आर का क्यूब ऐसे करके ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको तीन टर्म लेने हैं तो तीन टर्म आप ये लेंगे ये लेने का फायदा ये है कि ये देखिए ये कट जाएंगे जब आप आपके क्वेश्चन करेंगे ना देखिएगा अभी कराऊंगी क्वेश्चन ये टर्म्स कट जाएंगे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन तो अगर तीन टर्म लेने हैं जीपी सीरीज में तो आप क्या लेंगे ए बाई आर ए और ए आर और अगर चार टर्म लेने हैं जीपी सीरीज में तो आप लेंगे A by R का क्यूब, R, A R, A R, A R क्यूब, ठीक है? और अगर पांच टर्म लेने हैं जीपी सीरीज में तो आप ये लेंगे तो ये लेने का फायदा केवल यही है कि इससे हमारा कैलकुलेशन पार्ट ईजी हो जाएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराती हूँ पहला क्वेश्चन फाइंड द

यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट है, इस इस इन जीपी, ये जीपी में है और हमारा आर निकल के आ गया आर कितना है कितना आ गया टू तो अगर ए पता चल गया आर पता चल गया तो टी एन एड टर्म तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना ये फॉर्मूला है फॉर्मूला है ए आर का पावर एन माइनस वन ये देखिए दिस इज ए आर का पावर एन माइनस वन जिसमें एन क्या है थर्टीन ठीक है एन क्या है थर्टीन पहले तो इसमें टीएनए टर्म बोला है तो टीएनए टर्म के लिए यानी यानी केवल पुट करिए की 5, R की जगह जगह तो टर्म टर्म हो गया ये लेकिन 13 टर्म पता करने के लिए कहा है तो एन की जगह पुट करिए थर्टीन बाकी सब वही ए की जगह फाइव आर की जगह टू एन की जगह थर्टीन आप जब पुट करेंगे तो आपको एग्जाम में जनरली मैथ्स के एग्जाम में बेसिक कैलकुलेटर जो होता है वो अलाउ होता है तो टू का पावर ट्वेल्व आप कैलकुलेट करिएगा ठीक है आप आएंगे फोर जीरो नाइन सिक्स और इसको जब आप फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसान है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ओपटेन द सेवेंथ टर्म ऑफ सीरीज फ्रॉम द लास्ट टर्म खास बात है यहाँ पे सेवेंथ टर्म पता करना है ठीक है लेकिन कहाँ से लास्ट से पीछे से पता करना है और लास्ट टर्म क्या है लास्ट टर्म इज दिस यानी एल आपको दिया गया है वन नाइन सिक्स एट थ्री और आपको कॉमन रेशियो भी क्वेश्चन में दे दिया गया है कॉमन रेशियो कितना है थ्री ठीक है तो आपको T7 पता करना है लास्ट से तो हम फॉर्मूला जानते हैं L डिवाइडेड बाई आर एन माइनस वन ठीक है अगर पीछे से हमें टर्म पता करना है तो इज फॉर्मुलाइडेड बाई आर एन माइनस वन जिसमें एल हमें पता है ये देखिए दिया गया है एल ये दिया गया है आर पता है हाँ आर आपको पता है एन पता है हाँ सेवन हमें पता है सारे फिगर दिए हैं उठा के पुट करो एन की एल की जगह हमने पुट किया वन नाइन सिक्स एट थ्री आर की जगह थ्री और एन की जगह सेवन ठीक है तो ये कितना आ गया थ्री का पावर सिक्स ठीक है 3 का पावर 6 और ये और कैलकुलेटर आपके पास है जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 27 यानी जो सीरीज है उसमें लास्ट से ठीक है अगर मैं सीरीज की बात करूं सीरीज में लास्ट से जो सेवंथ टर्म है जो t7 सेवंथ टर्म है दैट इज 27 वो 27 है ठीक है तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा राइट

सब्जेक्ट uh, की 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक तो बस मेरा यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइएगा ठीक है इनकी हेल्प से खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ठीक है और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं वीडियो डालूंगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ठीक है तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वॉज दिस लेक्चर ये लेक्चर कैसा था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द सीरीज आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है जिसका फोर्थ और एर्थ टर्म जो है जीपी सीरीज का वो ये है ठीक है यानी जो फोर्थ टर्म है दैट इज वन बाई सिक्सटीन एट्थ टर्म क्या है वन बाई टू फिफ्टी सिक्स ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपको जीपी सीरीज फाइंड आउट करनी है तो जीपी सीरीज क्या है ए ए आर ए स्क्वायर ए क्यूब यही है जीपी सीरीज ठीक है तो इसमें हमें बताया गया है टी इज वन बाई तो टी होता क्या है टी मतलब ए ठीक है ना देखिए कोई भी टर्म बताया था ना ए आर का पावर एन माइनस वन होता है तो अगर टर्म है यानी का पावर फोर माइनस वन यानी क्या हुआ ए आर क्यूब यानी टी फोर क्या हुआ ए आर क्यूब कितना हुआ वन बाई सिक्सटीन ऐसे ए टर्म पता करना है यानी ए आर का पावर सेवन तो वो क्या हुआ वन बाई टू फिफ्टी सिक्स तो ये दोनों इक्वेशन हमारे निकल के आ गए तो अब सपोज करिए दिस इज इक्वेशन वन इक्वेशन टू को इक्वेशन से दूसरे मैं डिवाइड कर दू मतलब तो यहाँ पे क्या है ए आर सेवन कितना है दिस बाई टी सिक्स और ये क्या है वन बाई सिक्सटीन ठीक है तो ये कितना हो जाएगा uh, ये पलट के ऊपर जाएगा सिक्सटीन और इधर आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स ठीक है तो आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पेगा सेवन है तो आप इसको फोर तो यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ आर का पावर फोर इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन तो वन बाई सिक्सटीन को आप लिख सकते हैं टू का पावर फोर ठीक है टू का पावर फोर और इधर आर का पावर फोर तो आप क्या करेंगे वन बाई फोर का पावर से दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा यानी आर इक्वल टू आ गया वन बाई फोर तो इस तरीके से आप आर निकाल लेंगे ठीक है ओ सॉरी वन बाई टू आएगा नॉट वन बाई फोर देखिए ये ये आपने अंडर रूट ये नॉट अंडर रूट ये आपने फोर्थ रूट ले लिया दोनों तरफ ठीक है फोर्थ रूट ले लिया तो आर आ गया वन बाई टू. ठीक है तो आर निकल गया आपका आर निकल गया तो इस फॉर्मूले में जरा आर को आप पुट कर सकते हैं अब मैं स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर रही हूँ ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आर की वैल्यू पुट कर दीजिए ए आर क्या है वन बाई टू का क्यूब ठीक है ये हो गया वन बाई सिक्सटीन तो ये क्या हो गया एट दिस इज इक्वल तो टू सिक्सटीन ये हो गया आर ये ए ठीक है ये हो गया इसको काट दीजिए ये आ गया टू यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू यानी ए की वैल्यू आ गई वन बाई टू आर की वैल्यू आ गई वन बाई टू तो अब मेरे ख्याल से आप सीरीज बना सकते हैं सीरीज क्या है ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब यही तो जी सीरीज है तो ए कितना है वन बाई टू कितना है वन बाई टू मल्टीप्लाइड यानी वन बाई तो ए तो की वैल्यू पता हो और आर की वैल्यू पता हो ठीक है तो आप तो कोई भी सीरीज बना लेंगे ठीक है तो हमने ए और आर फाइंड आउट कर लिया ये फाइंड आउट किया है हाफ हाफ आया है बस उसके बाद सीरीज बन जाएगी ठीक है तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी सी ए बी सी बी दी एथ आर एट टर्म ऑफ दीरीज अगर ए बी सी जो है वो पी एट टर्म है और आर एट टर्म है series का, तो आपको प्रूफ करना है दिस वन की इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन वन आएगा ये आपको प्रूफ करना है ठीक है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो सिस्टमेटिक मैनर में लिख लीजिए क्या बताया गया है ए बी सी आर द पी एथ क्यू एथ आर एट टर्म ऑफ सीरीज ठीक है तो यानी पीएथ टर्म यानी पीटी लिखे सही लिखा ये ये जो पीएथ टर्म है इक्वल्स टू क्या है स्मॉल ए ठीक है तो पी एथ टर्म क्या है स्मॉल ए क्यू टर्म क्या है दिस इज बी और आर टर्म क्या है दिस इज सी ठीक है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको प्रूव करना है दिस वन ये आपको प्रूव करना है

पहले से ले लिया तो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे जो पहला टर्म है जीपी सीरीज को इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और हम रेशियो को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में ठीक है है तो हम जो capital A है, उससे हम जो कैपिटल ए उससे करेंगे पहले टर्म को और जो कॉमन रेशियो उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो यानी ये जो टीपी है वो क्या हो गया ए आर पी माइनस वन ये हो गया ऐसे टी क्यू है उसको हम लिख सकते हैं ए आर क्यू माइनस वन ठीक है ऐसे टी आर है उसको लिख सकते हैं ए आर आर माइनस वन ठीक है हमने ये कैपिटल में क्यू ले लिया ताकि स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूज मतलब हम वो कंफ्यूज न हो जाए क्योंकि आर यहां पे भी लिया गया है आर आपको प्रूव करना है ए भी आपको प्रूव करना है तो इसलिए हमने कैपिटल में कर लिया ठीक यहां तक समझ में आ गया यानी दिस इज इक्व टू ए दिस इज इक्व टू बी दिस इज इक्व टू सी ये यह तक हमें समझ में आ गया तो अब आपको क्या करना है अब आपको प्रूफ करना है कि इन तीनों को जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू वन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वन आ रहा है ये प्रूव करना है तो अब हम क्या करें हमने देखिए ए की वैल्यू निकाल ली p के टर्म में b की वैल्यू निकाल ली c की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया है ये तो अब a की जगह a की वैल्यू यहाँ से b की जगह b की वैल्यू यहाँ से और c की जगह c की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं ठीक है तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल ए आर पी माइनस वन ठीक है और ये q माइनस आर पहले से ये ब्रैकेट के बाहर था पावर q माइनस आर वो लिखा b की जगह ए आर क्यू माइनस वन और इधर r माइनस पी फिर c की जगह ए आर आर माइनस वन पी माइनस क्यू ठीक है यहाँ तक सही है ये समझ में आ गया अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा a का जितना भी पावर है उसको एक साथ कर लीजिए इधर क्या इधर क्या है a का पावर q r इधर क्या है a का पावर r p इधर क्या है a का पावर p q तो हम इसको साथ में लिख सकते हैं a फिर इसका पावर क्या है q r ये जो q r है और ये जो r p है और ये जो p q है ये हमने लिख लिया हमने

और ब्रैकेट फिर उसके बाद क्यू माइनस आर तो दिसनस वन क्यू माइनस आर प्लस वन और आर माइनस पी तो क्यू माइनस वन आर माइनस पी फिर यहाँ क्या है आर माइनस वन पी माइनस क्यू तो आर माइनस वन पी माइनस क्यू ये हमने लिख दिया अच्छा एक चीज हम हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जानते हैं कि अगर बेस सेम है अगर यहाँ पे ए आर है और इधर ए क्यू है तो अगर बेस सेम है तो क्या बन जाता है आर प्लस क्यू बन जाता है ना ये लॉजिक क्लियर है ना सेवन क्लास में पढ़ा होगा आपने ये एक्सपोनेंट होते हैं ये ये बेस बेस है 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 अगर सेम तो तो एक्सपोनेंट हो जाते हैं ठीक तो वाला ही यहाँ पे यूज किया गया है यहाँ पे क्या है बेस सेम है आर 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 तो क्या होगा एक्सपोनेंट ये जो है एड हो गए ये हो गया ये चीज समझ में आ गई ये हमने सिंपली इसको इसको और इसको हमने साथ में लिख लिया है ठीक है अब इसके जो ब्रैकेट है वो अब हम चलिए खोलते हैं पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया पी क्यू फिर उसके बाद पी को हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी आर फिर हम माइनस वन को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू माइनस वन को माइनस आर से करेंगे प्लस आर ठीक है तो इस तरीके से हमने कर लिया फिर अगला करते हैं क्यू को आर से तो क्यू आर ठीक है फिर क्यू को पी माइनस पी से तो माइनस पी क्यू माइनस वन को आर से तो माइनस आर फिर माइनस वन को माइनस पी से प्लस पी ठीक है ऐसे करके हम ये सारे कैलकुलेट करेंगे और जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आएगा और अब जरा हमें अब क्या करना है अब हम इसको देखेंगे कि कुछ क्या कॉमन टर्म हो रहे हैं यहाँ पे तो आप देखिए हाँ कॉमन टर्म हो रहे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया प्लस पी माइनस पी कट गया माइनस आर प्लस आर कट गया PQ minus PQ कट गया, minus PR plus PR कट गया, QR minus QR कट गया, तो आपने सारे टर्म देखे कट गए, तो क्या आ गया R का पावर जीरो, और किसी का भी पावर जीरो होता है, तो दिस इज equals टू one, ठीक है? तो ए का पावर जीरो हम पहले ही देख चुके थे one, R का पावर जीरो आ गया one, तो आपने जब कैलकुलेट किया one into one, one आ गया, तो इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया ठीक है तो सिंपली क्या करना है ये जो इक्वेशन आपने निकाले हैं ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आपने उठा के यहाँ पे पुट की और इसको सिंप्लीफाई करना है ध्यान से सिंपलीफाई करना है मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलने हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन ठीक तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा राइट right. तो चलिए दिस दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर लेक्चर ये आज के का आखिरी क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वॉज दिस लेक्चर ये लेक्चर कैसा था ओके okay. तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू